What's happening guys? तो गाइस ये है लोकी क्राफ्ट, और लोकी क्राफ्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो माइनक्राफ्ट में भी कर सकते हैं, और माइनक्राफ्ट जैसा है ये। बात तो सही है। और बहुत लोग माइनक्राफ्ट नहीं खेलते, लोकी क्राफ्ट ही खेलते हैं। रुको मैं गिरगा निकलने दो इधर से, फिर आगे की बात करते हैं। तो इस माइनक्राफ्ट में टिग्रोगेमर्स की सीड आसानी से मिल जाता है। मैं इसमें एक वीडियो भी बनाया हूँ, बहुत से वीडियोस मैंने टिग्रोगेमर्स सीड में बनाया है, पर वो माइनक्राफ्ट में था। ये सब दोगलापन है। मैंने पिछले लोकी क्राफ्ट वाले वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो में बता दूंगा मैं सीड, तो हाँ आज वही करते हैं। उससे पहले ना मेरे को कुछ करना है, अभी मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा टिग्रोगेमर्स का सीड, अभी मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा टिग्रोगेमर्स का कैसल। अगर मैं ढूंढ लिया तो जरूर से मैं ये वीडियो डाल दूंगा, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो ये वीडियो मेरे के लिए रिवही रह जाएगा। हाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, सीट मिल जाएगा आपको। हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं एक बाबा के पास गया था, और वहां पर मैं टेक्नो भैया का सीड मांगा, वो भी लोकी क्राफ्ट में। टेक्नो भैया का वर्ल्ड है, उसका सीड मांगा मैंने लोकी क्राफ्ट में, और मैंने बोला बाबा को कि पूरा डिट्टो होना चाहिए। तो बाबा ने हामी भरी और मेरे को ये सीट दिया है। तो हाँ मेरे को ये सीट को टेस्ट करना है और उज्जवल भाई का कैसल को ढूंढना है, और मैं अकेले नहीं ढूंढने वाला, आप लोग भी ढूंढोगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और मैं अकेले नहीं ढूंढने वाला, मेरे साथ आप लोग भी ढूंढोगे। मैं एक जर्नी में जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं उज्जवल भाई का कैसल को ढूंढूंगा, और अगर कैसल मिल जाता है तो मैं सीट बता दूंगा ये क्या है। चलो रिसोर्स कलेक्ट करते हैं साथ में, और रिसोर्स कलेक्ट करके मिलते हैं। माइनक्राफ्ट में वुड तोड़ते थे, और हम लोग लोकी क्राफ्ट में ही वुड ही तोड़ेंगे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो गाइस अपना खाना यहाँ पे पका लेते हैं, थोड़ा सा ही पकाएंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही खाना है, और कोई मॉब दिख जाए भाई, वो कौन सा मॉब है। चलो चलो चलो, और आ गया। चलो तीन पॉप कॉप आ गए, प्रॉप कॉप बोलते हैं ना। हाँ प्रॉक चॉप बोलते हैं। और मेरे पास अभी तक बेड नहीं है, और रात हो रहा है, तो अपने लिए थोड़ा सा एक शेल्टर बना लेते हैं। क्या सोच है रे तेरी, जिसके लिए थोड़ा सा डर दे दो भाई, रात होने से पहले थोड़ा बना लेता हूँ मैं। फिर सुबह होते ही हम लोग चल जाएंगे उज्जवल भाई का कैसल ढूंढने। ये देखो, चलो जी मेरे एक सेफ एरिया तो बन गया, अब इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा, बस थोड़ा सा डर है, इधर इधर से लगा देते हैं कोई क्रीपर ना आ जाए बस। अब सिक्वायर है मैं। चलो रात भर ये बेकार सा होटल है, बेकार सा घर, फालतू घर में हम लोग बिताएंगे ये रात। कट जा रात। ओ भाई तारे कितने मस्त लग रहे ऊपर। चलो लोकी क्राफ्ट में तारे तो अच्छे हैं माइनक्राफ्ट से। The next morning. तो गाइस जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो एक स्केलेटन, ये तो पूरा स्केलेटन दिख रहा है भाई साहब। जो माइनक्राफ्ट स्केलेटन होता है वो थोड़ा स्केलेटन टाइप का नहीं दिखता है, ये तो पूरा रियल स्केलेटन दिख रहा है यार। रुको मारना पड़ेगा इसको। अरे यार ये तो पास ही आने नहीं देगा, शील्ड नहीं है मेरे पास। प्रॉप चॉप दे दे मेरे को, दे दे। हाँ ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा प्रॉप चॉप मिला है, उसको पका के। तो ये हार्ट ऑफ फूड बार आपको थोड़े माइनक्राफ्ट जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने लोकी क्राफ्ट में मोड डाउनलोड किया है, इसलिए लग रहे, टेंशन मत लो, और भी बहुत सी चीजें लग रहे हैं। मोड डाउनलोड करना अगर सीखना है तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिर चलते हैं हम ढूंढने। तो कैसे भी मेरे को यहाँ से सीधे जाते रहना है। कहीं पर टर्निंग नहीं लेना है, और ये लोग को मारते चलना है कि मेरे को थोड़ा सा खाना मिल जाए, बाकी की इससे तो मेरे को खाना तो मिलेगा नहीं। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरी जान निकल जाती है यार। अरे मैं उसको मारा, तू क्यों रो रहा है? शकल दिखला दे प्लीज, रोते वाला शकल दिखा दे। ये देख लो रो रहा है ये बेचारा। बस चलते रहो सीधे गगन में। स्टार्ट करो। ओ वेट। ओ भाई मिल गया मेरे को उज्जवल भाई का कैसल। ओ तेरी भाई मिल गया उज्जवल भाई का कैसल। रुको भाई, ओ भाई साहब सब चीज मिल गया। रुको अभी हम लोग कैसल पास तो नहीं है, पर अभी हम लोग वहाँ पर पार्क पास है, यहाँ पर पानी में कूदते हैं। जल्दी उस पार चलो भाई, मेरे को कैसल देखना है कि लोकी क्राफ्ट में कैसल कैसा दिखता है उज्जवल भैया का। ओ भाई साहब ये देख लो भाई, मेरे पास एलेट्रा का आदत हो गया मेरे को बाबा, मैं एलेट्रा से उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास अभी एलेट्रा नहीं है, पर यहाँ पर सब कुछ है भाई साहब।
ये कैसल में क्या नहीं है। रुको भाई, अगर मैं ये कैसल चल गया ना तो लोकी ग्राफ में मेरे को कोई भी सामान का चीज कमी का नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर मैं कैसल में चल गया तो मेरे को कोई भी सामान का कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है सारे के सारे चीजें। चलो चले मितवा भाई सब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पर लोकी ग्राफ में ये कैसल भाई देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो कोई स्लो अंदर जाकर देखते भाई हमारे कैसल लोकी ग्राफ में कैसा लगता है। हमारे उज्जवल भाई का कैसल भाई साहब पूरा सेम टू सेम माइनक्राफ्ट जैसा है, पर थोड़े से ग्राफिक्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ओ भाई पावर्स भी मिल गए मेरे को यहाँ पर। चलो भाई अब अंदर चलते हैं। ओ भाई ये तो लोकी ग्राफ में भी काम कर रहा है। चलो अब चल लेते हैं अंदर। और भाई साहब सिंहासन भी वैसा ही है वैसा है। और 20 मिनट सरप्राइज यहाँ पर भी नहीं खुला है। हम लोग जाके विलेजर वाला एरिया में देख लेते भाई, ये विलेजर वाला एरिया कैसा लग रहा है। ओ भाई साहब लोकी ग्राफ्ट तो पूरा माइनक्राफ्ट को बदल ही देता है। ये सब दोगलापन है। मेरे को पूरा माइनक्राफ्ट वाली वाइब आ रही है, पर ये पूरा लोकी ग्राफ्ट है। भाई साहब पूरा कैसल क्या ही लग रहा है। और भाई बहुत मजा आया आज के वीडियो में भाई साहब, शुरुआत अच्छा से हुआ, एक भी भान में मरा नहीं। और हम लोग यहाँ पर कैसल तक आ गए और पहुँच भी गए, कैसल देख भी लिए। और यहाँ पर रुको भाई, दो तीन जगह और देख लेते। ये देख लो भाई, एक ये जगह है यहाँ से हम लोग कुछ सामान ले सकते हैं, कुछ सस्ते सस्ते सामान। और यहाँ पर फार्म्स और वहाँ पर पार्क, जो पार्क बहुत दूर है तो वहां पर नहीं जाएंगे अभी। तो गाइस सीट बताने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर देख लो सीट ये है, और सीट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा का पूरा उज्जवल भाई का वर्ल्ड मिल जाएगा कैसल के साथ। कैसल नहीं मिलेगा, बस आपको लैंड मिलेगा, जैसा उज्जवल भाई का स्टार्टिंग में वर्ल्ड था वो मिलेगा, और आपको कैसल बनाना पड़ेगा। तो हाँ, आपको वैसा ही वैसा वर्ल्ड मिल जाएगा और वहां पर आप अपना कैसल बना सकते हो, उज्जवल भाई का वर्ल्ड में जा सकते हो, सिंपल भाषा में कहे तो। हाँ सीट का मतलब ये होता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो हाँ देखो सीट ये है। तो गाइस आज के लिए तो यही, ऐसे करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।